morning, students. I hope you are fine and doing good at your homes. Today we are going to start our next topic of this chapter, that is natural and synthetic rubbers. Along with, we will do vulcanization of rubber, and then we will go up to biodegradable polymers. In our today's topic, we will discuss about properties and formulas and monomers of natural polymers. Then we will study about the vulcanization of rubber, in which we will study that कि जो non आपका natural rubber में properties नहीं होती हैं उनको अगर आप enhance करना चाहते हो तो उनमें आप थोड़ा या little amount of sulfur add कर दो, so that कि आप उसकी stiffness, उसकी जो properties हैं उनको enhance कर पाओ. Then आपके पास vulcanization करते time there is a process कि आपको जितना hardness चाहिए आप उतना percentage of sulfur डाल सकते हो. देन अगेन विद हम इस एग्जाम्पल्स में स्टडी करेंगे किस चीज़ के लिए कितना परसेंट आपको सल्फर डालना है. देन हम करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में स्टडी, जिसमें आप ये स्टडी करोगे कि जो पॉलीमर्स हैं दे कैन बी डिग्रेड ऑल्सो. उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वो उसमें डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल पॉलीमर्स. सो फर्स्ट इज नेचुरल रबर्स. नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर ट्री. आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है इन योर असिस्टिव अबाउट नेचुरल रबर. तो रबर को जब भी आपने ऑब्टेन करना है तो लेटेक्स ऑफ द ट्री से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो. इसमें जो मोनोमर रहता है दैट इज आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का IUPAC नेम है 2-methyl-1,3-diene. एंड इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CCH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. एडवांटेज ऑफ लर्निंग IUPAC नेम ऑफ द मोनोमर्स इज कि आपको इनके स्ट्रक्चर्स इजीली याद हो जाते हैं. तो ट्राई करो कि इनके IUPAC नेम्स आपको लर्न हो. ऑन पॉलीमराइजिंग आइसोप्रीन हमें मिलेगा पॉली आइसोप्रीन. पॉली आइसोप्रीन बनाने में क्या होगा, जैसे आपका ये डबल बॉन्ड है, जब इसके पॉलीमराइजेशन करते हैं उन लोग तो इसका जो बॉन्ड है एक इधर इसने एक्सटेंशन कर लेनी है, बॉन्ड बनेगा. जैसे इधर बॉन्डिंग होगी तो वन कार्बन कांट मेक 5 बॉन्ड्स, तो आपका डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टू नेक्स्ट कार्बन. इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, सी हियर डबल बॉन्ड. एंड सेम मैनर में अगर आपका डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला नेक्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है उसको अगेन नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि वो एक्सटेंशन से इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर लेगा. तो ये मेथड आपने वैसे भी ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है इन योर +1, हाउ टू शिफ्ट द डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करके हमें मिला पॉली आइसोप्रीन. वन मेजर थिंग जो इसमें हमने देखने को मिली है, डबल बॉन्ड अपनी पोजिशन को शिफ्ट कर लेता है एंड एंड टू एंड ज्वाइनिंग्स हो जाती है चेन की. सेकेंडली इज कि जो नेचुरल रबर है इसमें आपका जब भी आप इसको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, इसका नेचर ऐसा है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. इस क्योंकि इसका जो इलास्टिक नेचर है इतना अच्छा नहीं है तो इसको हम वल्कनाइजेशन कर देते हैं. इसकी वल्कनाइजेशन करने से क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी एनहेंस हो जाएंगी. सो वॉट इज़ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज़. इट इज़ नोन एज वल्कनाइजेशन. वल्कनाइजेशन में हमने किसी भी नेचुरल रबर को सल्फर की प्रेजेंस में हीट करना है सो दैट कि उसकी प्रॉपर्टीज इन्हेंस हो जाए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन. इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सल्फर जो है वो क्रॉस लिंकिंग बना लेता है बिटवीन द चेन्स. जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फर के ब्रिज बन गए हैं बिटवीन द टू आइसोप्रीन स्ट्रक्चर्स. आइसोप्रीन के हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स थे, उसके बीच में सल्फर ने यहाँ पे ब्रिजिंग कर ली. यहाँ पे 3 आएगा तो ब्रिजिंग कर लेगा. एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, सेकेंड आपके लिए बनाया. तो ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर सिर्फ आपको बताने के लिए है कि कैसे सल्फर क्रॉस लिंकिंग बना लेता है. नेक्स्ट, ये जो वल्कनाइजेशन आपके पास हो जाती है उसके बाद जो वल्कनाइज रबर है उसकी इलास्टिसिटी नेचुरल रबर से ज़्यादा अच्छी होती है. ये हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ग्रेटर होती है. उसके बाद रबर जो है ये स्टिफंड हो जाती है, मतलब स्टिफंड का मतलब हार्ड हो जाएगी, सब थोड़ी सी इसमें हार्डनेस आ जाती है. ये जो स्टिफनेस है ये डिपेंड करती है आपकी कि आपने सल्फर कितना डाला हुआ है. जितना अमाउंट ऑफ सल्फर डालोगे उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टिफनेस इंक्रीज होती जाएगी. जैसे सपोज कर लो नेचुरल रबर में आप लोगों ने 5% सल्फर डाला है, तो आप टायर जो बनते हैं हमारे उनकी रबर जो है बेसिकली उसको बनाने के लिए हम नेचुरल रबर में 5% सल्फर डाल देते हैं, तो आपका जो टायर्स की रबर बनती है इससे बनती है. एंड अगर आप लोग 30% सल्फर डाल दोगे नेचुरल रबर में तो उसमें हम लोग जैसे आपने देखा होगा बैटरी केसेस जो है रबर के बने होते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर के जो कवर्स आते हैं बैटरी जिनके अंदर कवर्ड रहती है,
वो भी आपका जो प्लास्टिक जैसा पॉलीमर है दैट इज़ ऑल्सो अ वेल्कनाइज रबर से वो बना हुआ है. देन हमारे पास जो अभी वेल्कनाइज होकर रबर आ जाएगी दैट रबर कैन बी स्ट्रेच्ड ओनली अ टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. उसको लिमिटेड एक्सटेंट पे कर सकते हैं क्योंकि उसमें चेन्स प्रेजेंट होती हैं और वो टेंगल्ड फॉर्म में होते हैं. चेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर पाएंगी तो क्या हो जाएगा, उनमें वो स्लिप नहीं करेंगी. वो उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर पॉलीसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट है. तो देयरफॉर अगर वो स्लिपिंग नहीं कर रहे हैं तो जब भी आप टेंशन रिमूव करोगे तो चेन जो है वो ट्राई करेंगे कॉइल अप अगेन एंड उनका जो रबर है वो रिज्यूम कर लेगा फिर से अपना ओरिजिनल पोजिशन. तो जब भी हम किसी रबर को आप घर पे कुछ भी यूज़ कर सकते, ब्लैक कलर के रबर यूज़ कर रहे हैं अपने हम लोग प्लास्टिक वाले या आजकल चल रहे रबर्स उनको यूज़ कर सकते हो, रबर बैंड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी आप उनको स्ट्रेच करते हो स्ट्रेच करने पे वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा. जैसे आप फोर्स हटा देते हो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे वो वापस आ जाएंगे. तो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड वेल्कनाइज्ड रबर. नेचुरल रबर सॉफ्ट होती है स्टिकी होती है लेकिन वेल्कनाइज्ड रबर हार्ड एंड नॉन स्टिकी होगी. नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है और वेल्कनाइज्ड का टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ क्वाइट हाई. इसकी इलास्टिसिटी लो होती है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है. इसका वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस लो है. वियर एंड टीयर रेजिस्टेंट होता है कि आप जैसे मर्जी उसको रफली भी यूज़ कर लोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ अटेन करके रखेगा, चेंज नहीं जल्दी के अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं छोड़ता है. लेकिन वल्कनाइज्ड रबर के पास बहुत ये छोड़ देगा, सॉरी वियर एंड टीयरिंग इसमें ईजिली हो जाती है, रेजिस्टेंस इसकी कम होती है. रफली यूज़ करोगे तो जल्दी ख़राब होने का इसका डर होता है. लेकिन वल्कनाइज्ड रबर जो है वो उसका कोई ऐसा नहीं है, आप उसको रफली भी यूज़ करोगे तो वो टाइम ले जाएगी. नेचुरल रबर जो है वाटर, ईथर, CCl4, पेट्रोल वगैरह जैसे सॉल्वेंट्स हैं हमारे, इन सब में डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन वल्कनाइज्ड रबर जितने भी हमारे पास कॉमन सॉल्वेंट्स हैं, कॉमन सॉल्वेंट्स में हमारे पास वाटर, ईथर, अल्कोहल, CCl4, पेट्रोल सारे आ जाते हैं, तो इनमें ये सब में इनसॉल्युबल रहेगा. सो नेक्स्ट वी आर एट सिंथेटिक रबर्स. सिंथेटिक रबर जो है ये भी एक वल्कनाइज्ड रबर की तरह ही एक पॉलीमर होता है. इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि जब भी इसको आप स्ट्रेच करोगे ना तो अपनी लेंथ से डबल लेंथ ये अटेन कर लेता है. फिर से सुनो, वेल्कनाइज्ड रबर जैसा ही पॉलीमर सिंथेटिक रबर से जो रबर्स हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं. इनको जब आप लोग स्ट्रेच करते हो तो इनकी जो अपनी लेंथ है उससे डबल लेंथ के अकॉर्डिंग ही अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं. एंड अगेन जब आप इसमें से फोर्स रिमूव कर दोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे. अंडर सिंथेटिक रबर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास दैट इज नियोप्रीन रबर. अगेन आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों ने इनमें मोनोमर्स जरूर लर्न करने हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर्स. तो नियोप्रीन रबर जो है इसमें मोनोमर हमारे पास रहेगा क्लोरोप्रीन. ना क्लोरोप्रीन एज सच अवेलेबल नहीं है, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्रीन को एसिटाइलीन से या जिसको हम इथाइन भी बोल देते हैं उसे प्रिपेयर करवाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इथाइन या एसिटाइलीन लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें Cu2Cl2 और NH4Cl डालेंगे एट 343 केल्विन. तो हमारे पास विनाइल एसिटाइलीन का एक स्ट्रक्चर बनेगा विच इज HC CH2. अगेन इसमें जब HCl डालोगे तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा. मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वही होगा जैसे हमने प्लस वन में स्टडी करा हुआ है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू द टूवर्ड्स दैट कार्बन जिसके पास सबसे लेस नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है. अब आपने करा हुआ सिर्फ ये चीज़ डबल बॉन्ड के लिए, बट अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी ये चीज़ आपकी एग्जिस्ट करती है. सो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम है दैट आर विद कार्बन. तो हमने कार्बन के साथ लगा दिया क्लोरीन, बाकी हमारा चेन वही रहा. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरोप्रीन बन गया. अब इस क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन होगी, इसके हम एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे. सी हियर, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं, पॉलीमराइजेशन करेंगे. Then इसका अगेन डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट कार्बन एटम एंड दिस विल शिफ्ट टू नेक्स्ट सो डैट कि इसकी लिंकेज हो सके, चेन्स बन सके. तो हमारा बन गया नियोप्रीन. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर यूजेज ऑफ नियोप्रीन रबर इज, क्योंकि ये नेचुरल रबर से सुपीरियर होता है, अच्छा होता है, तो क्या होगा, इसकी एरियल ऑक्सीडेशन बड़ी अच्छी हो जाती है. प्लस वेजिटेबल्स के लिए या मिनरल ऑयल्स के लिए इसकी रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी है. गैसोलीन या किसी भी तरह का सॉल्वेंट है तो उसके लिए अपनी रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से शो करता है. देन हम इनको एज अ इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं.
कन्वेयर बेल्ट्स लगे होते हैं मशीन्स में, उनमें यूज़ कर सकते हैं, गास्केट्स में यूज़ कर सकते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस में रोलर्स लगे होते हैं उनमें ये आपकी रबर यूज़ होती है। नेक्स्ट एग्जांपल अंडर सिंथेटिक रबर इज़ स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर विच इज़ SBR और ब्यूना S। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द रबर। इसमें जो हमारे पास मोनोमर्स रहेंगे, वन इज़ ब्यूटा 1,3-diene एंड अनदर वन इज़ स्टायरीन। इन दोनों के मिक्स होने का रेशियो होता है 3:1 एंड इसमें हमें सोडियम का प्रेजेंस चाहिए। अब ये नेम बना कैसे, वॉट इज़ ब्यूना S? ब्यूना S में BU इज स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, NA stands for sodium and S stands for styrene। तो बन गया आपके पास ये ब्यूना S। तो इसको स्प्रिट करके लर्न कर लो, आप इजिली लर्न कर पाओगे। सो ओवर हेयर हमारे पास, हमने पहले डिस्कस करा है कि यहाँ पे दो पॉलीमर्स रहेंगे। वन रहेगा ब्यूटा 1,3-diene, ये आपका है ब्यूटा 1,3-diene एंड सेकेंड वन हमारे पास ये जो है ये आपका स्टीरीन है। तो इन दोनों मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करके हमारे पास SBR बनना है। तो इनकी लिंकेज देख लो आप कैसी होगी। इसका जो एक आपका बॉन्ड है वो यूज़ हो जाएगा चेन के सेपरेटिंग के लिए। एंड ओवर हेयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने स्टीरीन के साथ इसका अटैचमेंट कराना है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जब बॉन्ड करना है तो इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इट विल शिफ्ट टू नेक्स्ट कार्बन। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इसको भी आगे शिफ्ट होना पड़ेगा बॉन्डिंग के लिए। तो ऐसे क्या होगा, ये लिंकेज बना लेगा। इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्डिंग करा तो इसका डबल बॉन्ड टूट गया, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे शिफ्ट होते होते बॉन्ड की लिंकेज हो जाएगी, तो हमारे पास SBR आ जाएगा। बस आपने इसमें सोडियम का प्रेजेंस देना जरूर रखना है। नेक्स्ट, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो नेचुरल रबर से थोड़ी सी कम होती है। यूजेस की बात करें तो ऑटोमोबाइल के जो भी टायर्स बनते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, फ्लोर के जो टाइल्स हैं उनको बनाने के लिए, फुटवेयर हम लोग जितने भी यूज़ कर रहे हैं उनके कंपोनेंट्स को बनाने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, केबल की इंसुलेशन है, केबल की वायर के ऊपर ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है उसके उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रबर इज सिंथेटिक रबर इज नाइट्राइल रबर और ब्यूना N। अब ब्यूना N और ब्यूना S में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि उसमें हम लोगों ने स्टायरीन डाला था और इसमें हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल डालेंगे। इसके मोनोमर यूनिट आ गया ब्यूटा 1,3-diene और दूसरा आ गया एक्राइलोनाइट्राइल। अगेन नेम जो है बिल्कुल वैसे ही लर्न करना है जैसे लास्ट स्टेप में आपने करा था। ओनली एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टायरीन वी आर यूजिंग एक्राइलोनाइट्राइल ओवर हियर, जिसकी वजह से आपका N आ जाएगा। तो फिर से हमारे पास ब्यूटा 1,3-diene का CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 एंड एक्राइलोनाइट्राइल इज CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड CN। नाउ यहाँ पे क्या होगा, आपका जैसे ही ये कार्बन लिंकेज स्टार्ट करेगा तो आपके इस कार्बन एटम के जो बॉन्ड्स हैं ये क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्डिंग करने स्टार्ट करेगा। ये जैसे इसकी बॉन्डिंग इसके साथ होने वाली है तो क्या करेगा, बेसिकली आप इसको दूसरे तरीके से लिख लो, जैसे आप करो यहाँ पे CH है फिर आपका CN एंड देन इस तरफ CH2। अगर आप ऐसे करोगे आपको लर्न करना ईजी हो जाएगा। इससे क्या होगा, इस कार्बन ने जब इसके साथ बॉन्डिंग करी है तो इसका डबल बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट हो गया एंड देन इसका नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया। ओके तो आपकी ये चेन कुछ ऐसी बन जाएगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH CN CH2। सो वी हैव मेड नाइट्राइल रबर। सॉरी यहाँ पे आपका पास डबल बॉन्ड रहेगा विच इज एक्राइलोनाइट्राइल, यहाँ पे हमारे पास CHCN और डबल बॉन्ड CH2 आएगा। आप जब भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे इनके बी श्योर कि आपने सारे कार्बन के जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करा है। ओके देन इन ब्यूना N आपका N स्टैंड करता है एक्राइलोनाइट्राइल की जगह पे एंड ये भी आपका जो एक्शन होता है पेट्रोल का या लुब्रिकेटिंग ऑयल का या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक्शन अपने ऊपर नहीं होने देगा, ये भी उनके एक्शन से रिजिस्ट करता है पूरा। इनके यूजेस जो है, इसको हम ऑयल सील्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, होजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टैंक की लाइनिंग करनी हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हम लीकेज को प्रिवेंट कर सकें। सो आवर लास्ट टॉपिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। दीज आर द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन अ सूटेबल पीरियड so that biodegradable polymers and their degraded products do not cause any serious effect on the environment. So कहते हैं कि ये वाले polymers वो होते हैं जिनको bacteria या microorganisms easily क्या करेंगे,
डिग्रेड कर देंगे और यू कैन से डिकम्पोज कर देंगे, एंड विद इन अ सूटेबल टाइम पीरियड इनको डिकम्पोज करना पड़ेगा, सो दैट के इन इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए, इनकी वजह से कोई इन्वायरमेंट में लॉस ना हो. तो जैसे जैसे हमारे पास डेली रूटीन में पॉलीमर्स के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ही क्या होगा, हमारे पास इनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी. बट हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे जितने भी पॉलीमर्स बन रहे हैं दे शुड बी बायोडिग्रेडेबल. अगर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं तो हमारे एनवायरमेंट में दे कांट डीकम्पोज रैपिडली, एंड तो आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा या वेस्ट पॉल्यूशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो मोस्टली जितने भी हम लोग अभी ट्राई करते हैं पॉलीमर्स बनाने की, वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, सो दैट के उनको रैपिडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है डीकम्पोज कर पाए. इवन जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम में भी एक पॉलीमर्स हैं जिनको हम बायो पॉलीमर्स बोलते हैं, उनको भी डीकम्पोज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ना कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस होते रहते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन से हो चाहे हाइड्रोलिसिस से हो. इवन हम लोग जैसे अभी आगे एग्जांपल्स में हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग कैप्सूल्स वगैरह जो भी लेते हैं उनके अंदर मेडिसिन होती है, वो जो कैप्सूल की कोटिंग है वो भी आपकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की ही बनी होती है. बट व्हेन इट एंटर्स इन द बॉडी, जब भी आपकी वो कवरिंग बॉडी के अंदर डीकम्पोज होगी, ओनली एट दैट टाइम वो मेडिसिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है. तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इन चीज़ों का ध्यान दिया गया है कि आपके जितने भी कोटिंग है या जितने भी पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है उन सबको उनकी हाइड्रोलाइसिस करके उनकी ऑक्सीडेशन करके डीकम्पोज कर लिया जाए, सो दैट के उनके कोई बैड इफेक्ट्स या इल इफेक्ट्स ना हो. सो देयर आर सम एग्जांपल्स, PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, कोक बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, PHB पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, PLA पॉलीएसिटिक एसिड. From these examples, only few we have to study in brief as given in our NCRT. So first is PHBV. PHBV में हमारे पास दो monomers का use किया गया है. One is 3-hydroxybutanoic acid and third. Second one is 3-hydroxypentanoic acid. इनके जो monomers हैं इनको जब भी join किया जाएगा तो उनमें आप लोग ester की linkage पाओगे. Like हमारे पास आ गया first, आपके पास आ गया ये 1, 2, 3 and 4. तो 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट एंड ऑयक एसिड है, तो ब्यूटानोइक एसिड. हमने एक मोनोमर ये ले लिया एंड सेकेंड मोनोमर हमारे पास वही आ गया 1, 2, 3, 4, 5, सारा सेम है, ओनली हमारे पास एक कार्बन का नंबर इंक्रीज हो गया. अब इनकी लिंकेज हम लोग देखेंगे कैसी हो रही है. सो जब आप इन दोनों को लिखो, बनाना स्ट्रक्चर स्टार्ट करोगे, मेक श्योर कि आप लोग इनको एक्सपैंड करके लिखो. अभी ये देखो इनको एक्सपैंड करके कैसे लिखना है. जो आपका ये CH3CHOH बॉन्ड CH2COOH था ना, इसको आप लोग कुछ ऐसे करके लिखोगे. OH इधर लिख लो, CH के नीचे CH3 को ले आओ, आपका फॉर्मूला वही रहेगा CH2COOH. मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया हुआ है. ओके फिर से देखो, CH OH इधर ले गए और OH आपने इस तरफ लेके आना है और CH3 को यहाँ पे, इधर फिर आपका CH2 और हम COOH को भी एक्सपैंड कर देंगे लाइक दिस. और जो सेकेंड वाला 3-hydroxypentanoic एसिड है उसको भी सेम मैनर में आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है. कैसे? प्लस यहाँ पे रहेगा आपका OH, CH के नीचे CH2CH3 ले आओ और यहाँ पे आपके पास CH2 रहेगा COO. फिर से इसको आप वैसे ही कर सकते हो CO बॉन्ड OH. ओके तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली अभी क्या होने वाला है, हम लोगों ने ये बनाना है PHBV. तो PHBV बनाने के लिए क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हमने लिंकेज करनी है. ये आपका O है, यहाँ पे H है, हर टर्मिनल पोजीशन वाला जो है H उसको हमने हटाना है. जो आपका पहले वाला मोनोमर होगा उसका जस्ट हाइड्रोजन जो है वो बाहर को जाना है, हाइड्रोजन एलिमिनेट होना. इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया तो इसके पास बॉन्डिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट हो जानी है. और ये नीचे जो CH के ऊपर CH3 है ये ऐसे लगा रहेगा मोनोमर यूनिट. जब इन दोनों ने कंबाइन करना है तो OH फ्रॉम दिस साइड एंड H फ्रॉम दिस साइड, ये दोनों मिलके आपका माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स, अभी वो भी हमें नहीं पता कितने निकलने, N निकलने होते हैं तो आपने माइनस एन वाटर मॉलिक्यूल्स कर देने. फिर क्या होगा, आपका ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया,
सी एच, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे रहना। और ये वाला ओ एच, जैसे हमने इस मॉलिक्यूल का ओ एच लिया था इसके अंदर डालने के लिए, इस मॉलिक्यूल का ओ एच जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल में डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, एंड टाइम्स ये बन जाएगा। इसको खुद से कॉपी पे एक्सपेंड करके देखना, हो जाना चाहिए वेल एंड गुड। अगर नहीं होगा तो अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आपके पास बन गया ओ सी एच सी एच थ्री सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज़ योर पी एच बी वी विच इज़ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस हैं कि स्पेशली पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस जितने उनको उनके अंदर यूज़ किया जाएगा, या कंट्रोल्ड किसी कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जाके वो धीरे धीरे रिलीज हो, तो उनको रिलीज़ करवाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग कैप्सूल, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि कैप्सूल जो है वो एक कवरिंग के अंदर इनक्लोज होते हैं, वो कवरिंग भी आपकी इसी पॉलीमर की बनी है पी एच बी वी की, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिग्रेड हो सकती है बाय बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। और इन्वायरमेंट में भी अगर हम देखें तो इनका बैक्टीरियल एक्शन होकर बड़ी आराम से डिग्रेड हो जाते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल इज़ नायलन टू लाइनल नायलन सिक्स। तो इसमें जो हमारे पास जो है ये भी एक पॉलीमाइड को पॉलीमर है, पॉलीमाइड की लिंकेज होती है इसके अंदर भी, तो को पॉलीमर है ये ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन होता है NH2CH2COOH एंड सेकेंड इज अमीनो कैप्रोइक एसिड NH2CH2 5 times COOH। तो अगेन आपके पास ये जो फॉर्मूलाज हैं मोनोमर्स हैं दे आर गिवन, इनकी भी पॉलीमराइजेशन होनी है सेम मैनर में बेटा। यहाँ से भी एच आपका रिलीज हो जाना है, ओके। देन आपके पास यहाँ पे OH और इस NH2 का भी एच जो है ये वाटर बना लेगा। जब वाटर निकल जाएगा तो फिर आपका CONH रह जाएगा, जैसे CONH, इसी को अमाइड लिंकेज बोल देते हैं। तो फिर CH2 5 times COOH ऐसे रह गया आपका, यहाँ से भी OH सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ निकल जाना है। तो जब भी लिखोगे ट्राई करोगे आप ये देखोगे कहाँ से क्या निकल रहा है, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर। सो नेक्स्ट इज देयर यूजेस, मेनली मेडिकल यूजेस के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, लाइक जितने भी सर्जिकल सचर्स बनते हैं जो पॉलीमर्स के होते हैं, प्लास्टिक के थोड़े से बने होते हैं, वो भी इनको यूज़ करके बनाए जाते हैं। टिश्यू ग्रोथ मटेरियल रेडी करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मटेरियल जैसे फिल्म्स बनानी है, कोई सीड की कोटिंग करनी है, उनमें यूज़ कर सकते हैं। फास्ट फूड के रैपर्स हम लोग देख रहे हैं आजकल जो चल रहे हैं, उनमें यूज़ किया जा सकता है इसको। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके डिटेल्स नहीं करे थे बिकॉज दे आर नॉट इन अवर सिलेबस, बट इनके जो जैसे पीजी और पीएलए हमने पीछे करा है, तो को पॉलीमर ऑफ पीजी और पीएलए जो है ये 90:10 की रेशियो में कंबाइन करते हैं, और इनको इनके कम्बिनेशन को हम यूज़ कर सकते हैं सर्जेस बनाने के लिए। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वाउंड्स जो होते हैं सर्जेस से लगते हैं, वो आपके स्टिचेस लगते हैं, तो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी वाउंड है उनको भी अगर आपने क्योर करवाना है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अब इनको इजीली डिग्रेड करना इजी है तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। पुराने वाले कैडगेट जो हैं उनको रिमूव कर दिया गया है अभी। एंड इसके अलावा आपके पास ये बॉडी के अंदर विद इन अ डेज सर्जरी के कुछ दिन बाद ये डिजॉल्व हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो बाद में बार बार सिटिंग्स का भी जो होता है सर्जरी के बाद जो सिटिंग्स होती है डॉक्टर के पास वो भी थोड़ी कम हो जाती हैं। तो दिस इज़ योर चैप्टर, एक बार थॉरली इसको स्टडी करो अच्छे से, एंड अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी।